नमस्कार, मैं हूं सना फिरोज। स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश अपेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। कांग्रेस के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने उनकी जमानत को लेकर कोर्ट में बहस की। सुनवाई के बाद कोर्ट में लालू की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। आपको बता दें कि लालू यादव ने बढ़ती उम्र और बीमारी हालत का हवाला देते हुए कोर्ट से जमानत की मांग की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। लालू परिवार, राजद के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की निगाहें आज झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी थी, लेकिन फिलहाल उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। देखिए, आर्गुमेंट करके जो वकील है आर्गुमेंट किया था, तो हमने कई आर्गुमेंट किए थे, सीबीआई ने अपने जवाब दिए, जज ने उसको पूरी तरह से बाबा सामने सुनाइए। जज साहब ने कहा कि ऑर्डर मतलब फैसला आएगा आपको पता चल जाएगा। दो तीन पॉइंट आप उठाए थे कि उनको ग्राउंड आरजेडी अध्यक्ष उनको निकलना चाहिए, इलेक्शन है। नहीं नहीं, ऐसे कई बातें हमने मेरिट्स की भी की थी और बाकी बातें भी रखी थी। इस समय ये उचित नहीं है कि मैं आपके सामने ऐसी कोई बात। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर दिया। गौरतलब है कि चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव होटवार जेल में बंद थे, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें रांची रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां लंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा था। हाल के दिनों में ये खबर भी आई थी कि एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। नमस्कार।